अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाज़रीन ग्राम एक महीना रह गया है बजट आने में। आवाम क्या सोचती है, ये बजट आवाम दोस्त बजट होने वाला है या नहीं, ये चलकर तो हम आवाम से ही पूछेंगे कि क्या ख्याल है उनका। चलें, मुल्क को ना बर्बाद कर दिया बिल्कुल। इतना पैसा इस मुल्क के अंदर है, सब खा गए ये लोग। इतना इतना IMF से कर्जा लेते हैं ये लोग। मैंने तो नहीं लिया हुआ ना, आज तक एक डॉलर नहीं लिया। कर्जदार हो ले जनाब। मैं अभी भी 4 से 5 लाख रुपए का कर्जदार हूँ। कुछ तो सोचे आवाम के लिए, 20% भी सोचेंगे ना तो मुल्क बेहतरी की तरफ चलने लगेगा। 70 साल 72 साल ना आपकी गवर्नमेंट ना आपको पानी दे पाई है, ना बिजली दे पाई है, ना गैस दे पाई है। ये हालात तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, उस पर बजट जो है वो भी हमारे ही सब पे होगा भारी, और किसी पे तो कुछ भी नहीं होगा। उसका आवाम दोस्त हो ही नहीं सकता, तसव्वुर में भी नहीं होगा। रेट लगाई हुई है हुकूमत ने, बिजली के बिल इतने भेज रहे हैं, पूरी हालत की भी कारोबार है नहीं। सर आवाम दोस्त बजट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से ये लोग चीज़ों के रेट को कम कर रहे हैं ना, तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बजट आएगा वो बढ़ के आएगा। क्या समझते हैं आवाम दोस्त बजट आने वाला है या फिर क्या समझ रही है आवाम अभी? आवाम तो जाहिर है उनको तो जो है ना बेवकूफ़ समझ रखा है गवर्नमेंट ने, और अपने अपने मामला देख रहे हैं। और अभी जो है बच्चों के स्कूल के पेपर आगे प्रोलॉन्ग कर दिए उन्होंने, और लोड शेडिंग वैसी के घरों में रखी हुई है। मतलब आप ये देखें ना, घरों में मतलब जो घर में रह रहे हैं उनको नहीं चाहिए, उनको लाइट नहीं चाहिए, सिर्फ उनको पेपर देने का। हम लोगों के तो हम लोग तो अपने बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं हुक्मरान। मकसद ये है इंटरनेशनल देखें बच्चों का मुस्तकबिल तब हो रहा है, आप प्रोलॉन्ग करे चले जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं? बच्चों को लाइट नहीं है उनके पढ़ने का, आपने इशू देखा, और इतने 70 साल 72 साल जितने भी साल हो गए, ना आपकी गवर्नमेंट ना आपको पानी दे पाई है, ना बिजली दे पाई है, ना गैस दे पाई है। आप क्या बात करते हैं? आप यूरोप जाते हैं, वहाँ सब कुछ मौजूद है। ऐसे हुक्मरान जितने भी जिनके पास पावर है, ये गुमराह और भटके हुए हैं, और इनको ये नहीं पता कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून है कि इनको चीज़ें प्रोवाइड करी जाएं। आप टैक्स ले रहे हैं, क्या कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। आप 72 साल में क्या दिया है आपने? सिर्फ आप आए, उसको गवर्नमेंट दे दी, इसको गवर्नमेंट दे दी, और एक ख़ास लॉबी जो है काम कर रही है बर्बाद करने के लिए। और उनके ना उनके पास उनके यहाँ लाइट भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, सारी फैसिलिटीज मौजूद है। आवाम बेवकूफ़ है, आवाम को क्या दिया है? और आप ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल तौर पे जो भी इस मुल्क से मुखलिस होता है उसको हटा दिया जाता है। क्यों? मकसद बताएं ना, क्यों हटाया जाता है? मतलब चाहे वो जर्नल हो या कोई पॉलिटिकल्स हो, लेकिन जो इस मुल्क को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करता है उसको हटाते। मुशर्रफ था, उसने बेहतरीन मिला डॉलर सीधा को नीचे लेकर आया था, और उसने वो उस जैसा आदमी वो अमरीका को नीचे ले आता, लेकिन आप लोगों ने उसका साथ नहीं दिया और उसको हटाया और उसको गद्दार कहा। तमाम पार्टी से एक साथ हो गया, हटा दिया। ये बात गद्दार कर कहा, गद्दार नहीं था वो, बेहतरीन जनरल था वो। अच्छा, मैं अपने तकरीबन बहुत सारी बात करता हूँ, लोगों से भी बात कर रहा हूँ, मैं उनसे अगर ये बात सवाल करता हूँ, मैंने कोई ऐसी हुकूमत थी, कोई ऐसा दौर था जो आपने अच्छा देखा? हर बंदा के नाम यही होता है कि मुशर्रफ का दौर बड़ा अच्छा था, परवेज मुशर्रफ का दौर होता है, वैसा दौर आना चाहिए, वैसा कोई बंदा आना चाहिए, कोई ऐसा बंदा नजर आता है अभी? इंशाल्लाह ताला ये बात मैं आपको कहूँगा कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में, फिरौन के ज़माने में हज़रत मूसा आया था। इस तरीके से हमसे टैक्स लिया जाता है, एजुकेशन का टैक्स लिया जाता है। अभी जिस तरीके से देखा आपने, एग्जाम्स जो हैं वो आगे बढ़ गए, लोड शेडिंग की वजह है, उसमें बहुत सारी गर्मी की वजह तो नज़र आ रही है, लेकिन लोड शेडिंग भी तो है, बारिश भी तो लोड शेडिंग हो रही है ना, हर जगह हो रहा है, हर मामला तो है। हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, ये बात है, उनके मुस्तकबिल को आगे प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। आपके तो बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा? मकसद इनको शर्म आनी चाहिए, रहम कर दो खुदा के लिए, इस अवाम के लिए ऊपर रहम कर दो। जवाब देना है, जितने भी लीडर थे उनको जवाब देना है, इनके मातहत हैं ये लोग, इनके ऊपर रहम कर दो खुदा के लिए, रहम कर दो। और अभी मतलब ये कहने के आपने अपनी कर रहे हैं, अब देखें ना वही क्या नाम है उसका, मुल्ला डीजल जो है आजकल उसको कुछ नहीं मिली तो उधर चला गया, तो मतलब निजाम वही चल रहा है, कहने का मुझे कुछ बदलने वाला हुकूमत को मतलब आवाम को हुकूमत से कोई, हुकूमत तो ये डमी है। अभी जो हुकूमत इलेक्शन के बाद जो लोग आगे बैठे हैं, भले वो कराची में भी हो या ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो इन्होंने हुकूमत संभाली, उनमें किसी एक के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि यार ये कुछ बेहतर कर देगा? नहीं, कोई एक पार्टी भी नहीं है, कराची वाली पार्टी में भी नहीं है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है।
कोई ऐसा कोई डिलीवर करने का कोई वो नहीं है। आवाम को या तो जमात इस्लामी पे था या फिर पीटीआई पे, पीटीआई पे ये हाँ ये तो मतलब मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है जमात इस्लामी के साथ। उसका वोट बैंक था, उसका वोट कराया गया है, और मैं खुद मीडिया को बोलता हूँ कि मीडिया वाले खुद भी थोड़ा बहुत जो है क्रिटिसाइज करा करें, क्योंकि जाहिर है देखें आपकी जॉब है ठीक है, जॉब ठीक है, लेकिन कुछ तो बातें नहीं बिल्कुल जिस तरीके की जो बात है आपकी आपके सामने आएगी। बिल्कुल आपने सुना है, हमने देखा आपने यहाँ पर जिस तरीके से लोग, मैंने सिर्फ अगर बजट की बात करी तो आवाम को कितना भरोसा है इस हुकूमत पे या नहीं है कितना भरोसा। मैंने अभी जितने भी लोगों से बात की किसी को भी शायद ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। अल्लाह मालिक का खैर, यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करेंगे। चले बहुत मुश्किल में फंसेंगे हम लोग, और बढ़ जाएंगे कीमतें इस चीज़ों की, देखिए इंशाल्लाह कोई वो नहीं है, मतलब कि लग भी नहीं रहा कि थोड़ा सा हो सकता है किसी चीज़ में रिलीफ मिल जाए। रिलीफ कहाँ मिली, किस चीज़ में थोड़ा बहुत मिला, आटे में मिल गया। आटे में मिल गया, बाकी रेट हो सकता है आपकी बार मतलब थोड़ा सा मामला तो बेहतर हो रहे हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल, आईएमएफ की वजह से बहुत मुश्किल। अच्छा, बजट नहीं मिलेगा सही हमको, हमें पूरी उम्मीद है, इसलिए कि मैं भी एयरफोर्स से रिटायर हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत उम्मीदें हैं शायद हमारे तनख्वाह कुछ बढ़े। हाँ, कौंसलर में तो हमें कोई पैसे नहीं मिलता। अच्छा, अपनी जेब से खर्चा होता हमारी, ये मैं कौंसलर यूसी बोर्ड का हूँ, हमें कोई पैसे नहीं मिलता। अच्छा, ज़्यादातर जो बंगी भी आते हैं वो हमसे भी बेचारा खर्चा पानी भी मांगते, बिरयानी भी खाते करते पूरा इसी में करते हैं। ये कि बजट इंशाल्लाह देखते हैं क्या आता है, देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ, उम्मीद को भी कह सकते हैं कि भाई देखते हैं, अगर हुआ तो जो हुआ। जी जी, ठीक है। और जी तो नाज़रीन करम, हमारे साथ यहाँ के मरीज के इलाके के यूसी चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा आप कुछ बात करते हैं, थोड़े मामला भी देखते हैं क्या। सर, पहले तो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा अभी बजट आने वाला है, क्या लगता है आवाम दोस्त बजट होने वाला है या फिर आपकी हंसी बता रही है कि बजट जो है वो आवाम दोस्त बजट होगा तो जो है या फिर जो है आवाम दुश्मन बजट होगा। हर दौर के अंदर जो है ये जो चेहरे बदलते हैं ना, ये सिर्फ चेहरे बदलते हैं, निज़ाम नहीं बदलता। और इस चेहरों की बदली जो है ऊपर बैठे जो आईएमएफ के सुपर पावर लोग हैं ना, ये सब उनका सिस्टम है। ये भैया बजट तो हमारा सिर्फ ये एक दिखावा है, ये तो रोज़ हमारे ऊपर जो है बजट के बम गिराते हैं। आप ये देखें कि मुसावी तबके की एक आदमी की जो सैलरी है, अगर मैं 3540,000 रुपये भी लगाऊँ तो एक किराए के मकान में रहने वाला आदमी, बिजली का बिल और जो के इलेक्ट्रिक माफिया है वो, और गैस माफिया जो अब बनती जा रही है के इलेक्ट्रिक को देख देख के, ये सारे बिजली ये क्या बंदे करेगा, एक आम आवाम जो है वो क्या करेगी। फिर हम उनसे तवक्कात रखते हैं आवाम से कि वो जो है प्रॉपर टैक्स दे, और हम तवक्कात रखते हैं कि वो जो है सही हो जाए आवाम, जब ऊपर से सिस्टम नीचे की तरफ। वैसे थोड़े बहुत मामले जैसे भी गंदम की बात की जाए उसमें भी थोड़ा रेट्स में कमी आई, पेट्रोल भी थोड़ा कम हुआ। ये गंदम के मामला भी जब कम हुए हैं, जब जो है हाफिज साहब ने एक थोड़ी सी छड़ी जलानी शुरू की, और जी हाफिज साहब ने हाफिज साहब तो नईमुर रहमान साहब एक ही हैं, बाकी हाफिज तो जो है अल्लाह रहम करे उन हाफिजों पे, सही है ना। तो ये तो सब मामला हैं, इनको जो है जब ये छड़ी जलानी शुरू की तो उनको ख्याल आया कि मामला भी कुछ बिगड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो है गंदम के सिलसिला किया। मेरा कहने का मतलब छड़ी और भी फैलाएं कि इलेक्ट्रिक अभी इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक से तो आपको मालूम है कि पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा माफिया है कि ये जीने नहीं देगा। ये आज ही स्ट्रोक की जो है लहर थी वो कितनी सख्त तरीन लहर थी, जो 44 डिग्री सेंटीग्रेड फील्स जो था यहाँ कराची में था, आज जो है मुझे 5 इलाकों से मुस्तकिल रिपोर्ट आ रही है, मैं के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदार से जो है रबते में हूँ, वो ये कहते हैं कि हमारे इस्लामी के लोग रबते में हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी लोड शेडिंग गैर ऐलानिया करेंगे। और हाल ये है कि इस हीट स्ट्रोक में तपती हुई टीनों के अंदर हमारी माएँ बहनें 9-9 घंटे 16-16 घंटे जो है वो लोड शेडिंग है। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हुक्मरान है, ये हकमान है, ये फार्म 47 पे आने वाले लोग हैं, ये इनको क्या तकलीफ है जो है, इन लोगों को आवाम के क्या दुख, इनको दुख तो उन लोगों को होता है जो इन लोगों में रहते हैं आवाम में, उनको दुख होता है। अभी जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ हमारे हुक्मरान भी सुन लो, क्या हालत है इस वक्त यहाँ पे, आप यहाँ पे रहते हैं इस इलाके के अंदर, सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन क्या देखी है सर? इस वक्त हालत ये है कि मैं आपको बताऊँ कि जिस यूसी में हम बैठते हैं वहाँ पर ओजीटी जो है 5 लाख रुपए, और जो तनख्वाहें निकलती हैं 4,35,000 रुपये की तनख्वाहें निकलती हैं। अब तो सोचें जिस ओजीटी में 5 लाख रुपए की तनख्वाह हो, वो 5 लाख रुपए ओजीटी आती हो और 4,35,000 रुपये तनख्वाह निकलती है, तो उस 65,000 रुपये में उस यूसी का क्या बजट चलेगा। और यही हाल टाउन का है, टाउन के अंदर जो बोगस भर्तियां हुई हैं और 900 लोगों को हमारे मतों पे सरों पे मारा गया है, उनकी सैलरियां उनके ऊपर और लोग भेजे जा रहे हैं, और लोग सिंध गवर्नमेंट हम पे सर पे मुसल्लत कर रही है,
सर मामला बहुत खराब है, ये तो हम बेचारे लोग हैं जो आपस में कंट्रीब्यूशन करके बहुत सारे काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आज आज बेहतरी कुछ नज़र आ रही है ये भी सिर्फ इसलिए है कि कुछ लोग ईमानदार लोगों के हाथों में जो है कुछ चीज़ें आ गई हैं, वरना तो ये जो है जीने नहीं देंगे, ये आवाम से उसका जो है एक नवाला भी चाहे तो छीन लें मुँह से निकाल लें। आपका जो वो मैं समझूंगा दुश्मन बजट दो सारा है, मतलब सर 100% हमेशा दुश्मन वो ही रहा है, दुश्मन बजट रहा है सर। किसी भी आवाम ने कभी भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया किसी ने, क्योंकि ये आवाम में से है ही नहीं, ये तो वो अशरफिया हैं जो कि लूट रहे हैं खसूट रहे हैं इस मुल्क को, ये लोग आवाम की तकलीफ को क्या जाने, समझे ना, ये तो आवाम इनसे आवाम का कोई ताल्लुक नहीं है, एतबार नहीं, आवाम से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है सर, इनका आवाम से कुछ, इनको बिजली फ्री, इनको पेट्रोल फ्री, सही ना, इनको जो है बच्चों की फ्री, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके बच्चे बेकन स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बच्चे सिटी स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे तो हमारे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल का हाल तो जाके देखे, छतें टूट रही है, गर्मी में जमीन में पेपर देने पे मजबूर है बच्चे, सर पसीनों के अंदर बैठे हैं, मेरे छुट्टियों भी इसलिए इनका देती क्या ताल्लुक इस आवाम से, ये तो ऊपर से आके फॉर्म 47 पे बैठते हैं और इनको जो लेके आते हैं वो भी बहुत खुश है, लेकिन वो वक्त बदल रहा है, इंशाल्लाह अकल आ रही है लोगों को बहुत जल्दी, बहुत अकल आ रही है, शऊर तो आ रहा है, बिल्कुल ऐसी बात है। यहाँ पर जिस तरीके से सुना आपने, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अगर मैं बात करूँ कि आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा, तो आपने सुना यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों में यही सुनने में आता है कि कोई एतबार नहीं रहा हुकूमत पर, कि कोई जो मामला इस वक्त चलते हुए आ रहे हैं, जो कंडीशन हो चुकी है इन्फ्लेशन की सूरत में, ये तो आपके सामने यहाँ पर देखा मैं, यहाँ और भी सारे बहुत सारे लोग इनसे भी ज़रा बात करेंगे, क्या कहना है उनका, क्या अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? तमाम दोस्त बजट आ रहा है और या फिर दुश्मन दोस्त बजट क्या आ रहा है, मतलब क्या लग रहा है आपको, आवाम क्या समझ रही है कि अभी क्या बजट के लिहाज से जो हुकूमत अभी बजट पेश करने वाली है वो आवाम के फेवर में होगा या नहीं? देखो यार, हुकूमत तो जो भी आती है ना आवाम के फेवर में तो नहीं होती है, आवाम के फेवर में नहीं होती है। नहीं देखो, बजट जो भी आता है हर साल आपको पता है कि महंगाई के हिसाब से ही आता है, तो अभी तो मामला लग रहे हैं कि तो पेट्रोल भी थोड़ा सस्ता हुआ है और आटा भी थोड़ा सस्ता हुआ है, कुछ लग रहा है कि मामला बेहतर होंगे या अभी कोई अभी भी नहीं है लग रहा है कि और बेहतर? देखो वक्ती तौर तो मामला कुछ बेहतर हैं, हाँ, आने वाले वक्त का तो किसी को भी पता नहीं है ना भाई, क्या कुछ हो सकता है, अभी तो फिलहाल कुछ बेहतरी है तकरीबन पेट्रोल में भी दूसरी चीज़ों में भी तकरीबन जो है ना कुछ मामला बेहतर। IMF का जोर है, IMF का जोर, इसी वजह से बंदा सोच रहा है कि यार क्या होगा भाई, इसका कुछ नहीं कह सकते, आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। इस हुकूमत पे भरोसा है? देखो हुकूमत तो अब क्या बोलेंगे हुकूमत के बारे में यार, बेहतर है बहरहाल जो भी है, मकसद हुकूमत जो भी आती है वो तो बेहतर से बेहतर करने के हक में होती है, लेकिन बस मामला ऐसे पैदा हो जाते हैं कि क्या करें, तो उसमें आपको पता है फिर महंगाई भी है, बिजली के बिलों ने जो है ना परेशान करके रखा हुआ है, फिर गैस के बिल हैं, उसके बावजूद और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा अभी मैं जिस तरीके से मैं यहाँ पर अभी आप मेरे प्रोग्राम भी देखते होंगे, मैं तकरीबन ज़्यादातर लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर महंगाई की बात करता हूँ सबसे पहले अब लोगों की ज़बान पे आता है कि यार बिजली के बिल देखें कितने आते हैं, गैस के बिल भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक वालों की जो है वो मेरे ख्याल से वही रंग पकड़ लिया है, अभी गैस वालों ने भी तो इतने बिल आ रहे होते हैं, ये बात वो है जो हर मेरे ख्याल से हमें जितने भी लोग हैं मैं तकरीबन ज़्यादातर लोगों से यही ज़बान सुनता हूँ कि यार अब बिल्स बहुत आ रहे हैं टैक्सी से, बिल्स की वजह से आवाम कितनी परेशान हो गए, जो एक आम बंदा जो कि एक रेंट पर रहने वाला बंदा है अगर बहुत बुरा हाल है। देखो मैं तो इस बात को समझता हूँ कि जो रेंट के अपना मकान में घर में रह रहे हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, आपको पता है बिजली के बिल इतने, गैस के बिल इतने, और बिजली ना होने के बावजूद भी इतना बिल भर रहे हैं कि लोग परेशान हैं, ये नहीं होना चाहिए। सुनने वाला कोई है ही नहीं, किसको सुनाओगे आप, जो हैं अहदेदारान हैं सारे चोर हैं, मकसद कहने का तो ये, कोई पूछने वाला नहीं है कोई सुनने वाला नहीं, जिस तरीके से हमने सुना आवाम की बात वही, जिस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात करी किसी को भी भरोसा नहीं है इस, चाहे दुआ तो कर रहे हैं कि यार क्या पता अगर बजट में कुछ बेहतरी हो जाए तो अल्लाह मालिक है, लेकिन खैर यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं इनसे भी तरह बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं वेलकम बैक टू द शो नंदिनी निगराम, हम आज बात कर रहे हैं बजट आने वाला है और आवाम क्या सोचती है कि बजट आवाम दोस्त होगा या नहीं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं इनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या लग रहा है बजट में? तो अभी ये मैंने आपसे कहा ना कि एडवांस में लोग परेशान हैं कि अभी से सोच रहे हैं कि ये क्या करने वाले हैं, यानी कि जो थोड़ी बहुत सांसें बची हैं वो ये भी इस बजट में शायद लगता है कि वो पब्लिक के निकाल दें, क्योंकि अब पब्लिक भी जो है सोच सोच के सांसें ले रही है, परेशान है बहुत कि होने जा क्या जा रहा है, ये अपने लिए तो सारे फ़ायदे सोच रहे हैं, आवाम के लिए ये कोई भी कुछ नहीं सोच रहा, तो बराए मेहरबानी आपने एक बात बोली कि एडवांस में लोग परेशान है, मतलब बजट का सुन के इंसान के दिमाग में कभी क्या चल रहा है? तो ये चल रहा है कि इन्होंने अच्छा नहीं करना है, अच्छा हाँ बुरा ही होना है, अच्छा नहीं होना आगे जाके, क्योंकि अभी जो होता जा रहा है वो बुरा ही हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है,
लोग परेशान है बेचारा, अगर कोई 20,000 रुपये कमाता है 30,000 कमाता है तो वो दिन रात सोच रहा है कि मेरा तो एक्सपेंस जो है वो 50,000 का बन रहा है, बच्चों की फीसें हैं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो खुदारा हुक्मरानों से इल्तिजा है कि दुआएं ले लें, ये पाकिस्तान दुआओं से बना था और ये ऐसा ना हो कि बददुआओं पे ख़त्म हो जाए पाकिस्तान। तो प्लीज़ मेहरबानी करें कि हुक्मरान जो है ये इस पर नज़रसानी करें और ताकि अल्लाह ताला इस मुल्क, क्योंकि ये मुल्क बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला ने हमें ये एक नेमत अता की है, तो इसका हमें ख्याल रखना है, इसका फ़ायदा होना है। लेकिन ख्याल कैसे होगा कि जो आवाम है जो वोट देने के लिए धूप में लगती है, लाइनों में लगती है, हुक्मरानों को लेकर आती है, आपको जब उनका ही ख्याल नहीं है, एतबार करती है कि हमारे हालात बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये मकसद कंटिन्यू बस हो रहा ही होता जा रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो आखिर आवाम फिर कहाँ किस स्टेज पर जाएगी। तो अभी आपने हालिया देखा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, मैं इसको आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि क्या हुआ वहाँ पर, तो आप कैसे आपकी अक्ल ठिकाने आ गई। तो मैं इल्तिजा करता हूँ आप, तो आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेहरबानी करें आए जाएं मैदान में, तो ये ऐसे 2 मिनट में सीधे हो जाएंगे और ये जो है ना सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर आवाम कश्मीर की तरह आ जाएं। उन्होंने एक सैंपल पेश कर दिया, अब आप सैंपल को जो है ना आप उसको अमली जामा पहनाएं और उसको जो है पूरा करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर ये हुक्मरान सच्चे हैं, सच्चे दिल से, तो अगर वो दिखाना चाहते हैं कि हम आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इस बजट में आटा 50 रुपये किलो करें, पेट्रोल 200 रुपये लीटर, आटा मिकदार में है, काफ़ी मिकदार में, कोई इसका शॉर्टेज नहीं है। और इन्होंने कश्मीर में मार पड़ी है तो 50 रुपये किलो किया आटा, और 4 रुपये यूनिट कर दिया इन्होंने कश्मीर में, तो क्या कश्मीर हमसे अलहदा है? हम भी उसे मुल्क, वहाँ भी वही करेंसी चलती है, यहाँ भी वही करेंसी चलती है, हुक्मरान वही वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं। तो खुदारा मैं तो सबसे कह रहा हूँ, चाहे वो कहीं से भी, चाहे वो फौज से ताल्लुक़ है, वो अदालत से ताल्लुक़ है, अदालतों से, पुलिस से ताल्लुक़ है, प्लीज़ खुदारा आवाम का साथ दें और इस आने वाले बजट को जो है इसका दिफा करें कि जुल्म ना हो, जुल्म का दिफा करें, अगर जुल्म का दिफा करेंगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम पर रहमतें नाजिल करेगा। बड़ी बड़ी मुसीबतें दुनिया में आ रही हैं, तो उससे बचना है तो हमें अपनी नीयतें साफ करनी है, नीयतें अच्छी करनी है, तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। और अपने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से बात करें अंकल ने, यहाँ पर बताया कि भाई कश्मीर की एक मिसाल दी और जिस तरीके वो अपने हक के लिए निकले और उन्होंने जब निकले तो अपने सारे मुतालबात भी मनवा लिए, और जिस तरीके से बात भी बात करी कि भाई हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, वो कश्मीर भी पाकिस्तान में ही है, इसलिए हम भी बड़े मुश्किल में गुजार रहे हैं ज़िंदगी, बहुत बुरे हालात हैं, हम पे भी हुक्मरान जो जितने भी बैठे हैं वो कोई आवाम दोस्त बजट लेकर आएँ जिससे आवाम खुश रहे, आवाम के लिए बेनिफिट्स हों। खैर उम्मीद ये की जा सकती है, यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करने चलें। बजट आने वाला है, क्या जहन में है कि आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा? सर मुझे तो लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि महंगाई का जो समंदर है वो बहुत ही स्पीड से बढ़ा हुआ है, खासतौर पर वो पेट्रोल हो, रोजमर्रा अभी थोड़ी बहुत कमी तो हुई है पेट्रोल में हुई है, लेकिन आम जो आदमी है उसके लिए किसी किस्म का कोई सहूलत नहीं है। यानी कि जो बसों के किराए हैं उनको देख लें आप, सब्जी के रेट देख लें, अभी कुछ लग रहा है बहुत भरोसा है क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों में अगर कमी आई है तो लग रहा है कि आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं, कर देंगे कुछ बेहतर, या फिर IMF का वही जोर नज़र आ रहा है कि यार देखिए वो चीज़ें तो उसी तरह बरकरार रहेंगी। हमें आपकी जो बात की आपने, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि आम आदमी को रिलीफ मिले, आम आदमी को रिलीफ मिले, वही आदमी बहुत परेशान है। अगर मैं बात करूँ कि इस वक्त जो आम आदमी के हालात हैं वो क्या हैं? देखिए जो तनख्वाह पेशा आदमी है वो तो बहुत ही कम बजट में अपना गुजारा कर रहे हैं, और जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनके लिए मसले में साइबिक है, इलेक्ट्रिक का एक नया बहरान, गर्मी का लोड शेडिंग है लेकिन उनको कोई एहसास नहीं है। तो कोशिश कीजिए आपकी बेटी की वजह से कि इलेक्ट्रिक को किसी भी तरीके से आप इलेक्ट्रिक से बड़े लोग नाराज नज़र आते हैं यहाँ पर। आप इस तरीके से सुना, मैं जितने प्रोग्राम मैंने किए हैं और सबसे ज़्यादा अगर मैं नॉर्मल बात भी करता हूँ तो लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा अगर परेशान है ना वो इलेक्ट्रिक किया हुआ लोड शेडिंग की वजह से और बिलों की वजह से और जो उसमें टैक्सेस लगे हुए होते हैं उसकी वजह से। कम से कम इतना ज़रूरी रिलीफ दे दें कि 100 यूनिट से तक लोगों को फ्री कर दें, क्योंकि लोग ज़्यादातर 60 यूनिट 63 यूनिट 65 यूनिट लोगों का आम खर्च है एक पंखे के ऊपर, तो वो तकरीबन यही बनता है। अगर ये 100 भी अगर कर दें तो काफ़ी लोगों को सहूलत मिले, काफ़ी लोगों को सहूलत मिली जाएगी। यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लोगों से ज़्यादातर बात करी, यहाँ पर ज़्यादातर हर बंदे से यही सुनने में आता है कि भाई अगर हमें उम्मीद होगी, लेकिन अगर हुकूमत आवाम पे इतना कर दे, रहम कर दे कि यार कुछ इसलिए आवाम दोस्त बजट आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी कि आवाम आराम से ज़िंदगी तो जी सकती है अपनी। खाने यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते चले। महंगाई तो कम होनी नहीं है, महंगाई तो दिन ब दिन, आवाम दोस्त बजट नहीं होगा, नहीं आवाम का आवाम दोस्त बजट नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी और आवाम और ज़्यादा परेशान होगी। पेट्रोल के अंदर कमी आती है, 5 रुपये ये कम करते हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा 10 रुपये बढ़ा देते हैं,
बिजली के ऊपर 2 रुपये यूनिट कम करे, फिर दोबारा 5 रुपये बढ़ा दिए। तो इस तरीके से बस सारी आवाम को ना मुतमिन करना होता है कि हमने 5 रुपये कम करे, लेकिन कुछ ही नेक्स्ट मंथ बाद जो है फिर दोबारा ये लोग जो है पैसे और ज़्यादा बढ़ा के चार्ज कर रहे हैं। कम इसलिए किया कि बजट में बढ़ा रहे हैं, फिर बजट में बढ़ा रहे हैं ताकि फिर वो प्रेशर पे वो बात वही रखेंगे कि भाई पीछे से IMF से जो मुआहदा है उसके मुताबिक जो है हमारे ऊपर प्रेशर है। हम तो चाह रहे थे कम करना, लेकिन हमारी शर्त ऐसी हैं जो हमने पूरी करनी है। आवाम समझ गई है मतलब सारे फॉर्मूले? बिल्कुल, तकरीबन सभी समझे हुए, अब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। समझ, कोई ऐसा दौर अगर मैं बात करूँ कोई ऐसा लगता था कि यार ये मामला अब जो है ना बेहतर हो जाएंगे या इस दौर में हमने अच्छा देखा? PTI के दौर में थोड़े बहुत मामला बेहतर हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो चेंजेस आई वो ये थी कि इमरान खान ने बहुत सारा चीज़ों को जब एक्सीड पे किसी भी अमाउंट को बढ़ाया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सीड पे बढ़ाया, गया 50 रुपये 100 रुपये पेट्रोल पे बढ़ाया एकदम से, बहुत ज़्यादा मिनिमम वेज के ऊपर लेके नहीं गए। तो बस ये उनकी खामियाँ थी वहाँ पर थी। फिर वो नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, उनके जो अकाउंट थे जो बाहर मुल्कों में जो उन्होंने डिपॉज़िट किए हुए थे उसके पीछे लग गए। अगर इसके बजाय अगर ये गरीब आवाम की सहूलत को देखते हैं कि वो क्या सहूलत है तो नतीजा कुछ और। मेरे ख्याल से तो छोटे करप्शन में जितने भी मामला निकलने हैं, अभी भी देखा होगा दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज निकलनी है बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो ना कि उस करप्शन को रोकने की बजाय जो यहाँ पे करप्शन हो रही थी स्टिल करंटली वो रोकनी चाहिए थी, ना कि पिछली मुद्दों को फेड़ना था, अपनी दुश्मनियाँ निकाल के ये बातें बहुत सी बात बोली है भाई ने कि मेरे अच्छा मैं अभी ये बात समझू कि इन लोगों पे जो ये शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब ग्रुप वाला जो बैठा हुआ है, जो हुकूमत बैठी हुई है, इस पे कोई भरोसा नहीं है? इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं, नहीं हो पा सस्ताई नहीं होगी अभी तक तो इन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं है कि इसमें आवाम को रिलैक्सेशन मिले। क्राइम्स आपके सामने कितने हैं, ठीक है, आप अपने मोहल्ले में अपने गली में कहीं पर भी आप सेफ नहीं, बिल्कुल अपने घर में भी नहीं है। हम लोग जा भी रहे होते हैं जॉब्स पे भी जा रहे होते हैं तो डर के जा रहे होते हैं कि हमारे साथ कुछ होना चाहिए। मैं बता दूं अभी मैंने कैमरा बंद करके भी रखा हो तो मैं भी सेफ नहीं हूं भाई, ये भी छीन सकता है। एग्जैक्टली, ये भी छीन सकता है, ऐसा ही है। अभी रिसेंटली ये सारे केसेस हो रहे हैं तो सबसे पहले तो करप्शन पे करें, अब वो करप्शन का बोलें क्रिमिनल्स जो यहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं चोरियाँ हो रही हैं इसको यहाँ की पुलिस ही नहीं रोक पा रही है तो हुकूमत बाकी पूरे पाकिस्तान को कैसे देखेगी? फिर बहुत सारी बात भाई ने बोला कि इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, इतनी ज़्यादा मामला खराब हो गए, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा खराब हुई है कि आपने सुना है कि जिस तरीके से भाई ने बताया कि खैर भरोसा किसी पर भी नहीं है। जितने भी लोगों से मैंने यहाँ पर बात करी है वो कहते हैं हमें तो भाई नहीं है कि बजट जो आएगा वो बड़ा खतरनाक बजट होगा, क्योंकि भाई भी शायद फार्मूला समझ चुके हैं रेट इसलिए कम हो रहे हैं कि बढ़ा दिए जाएंगे भाई ने बोला। खैर यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। भाई क्या हाल है? काम धंधा कैसा चल रहा है ये बताएं? भाई काम धंधे का तो आप पूछिए नहीं, क्योंकि महंगाई इस कदर महंगाई है कि ना तो सवारी सही मुनासिब पैसे देती है, ये किराए का रक्षा है क्या समझे, अभी ये बच्चे कैसे पालना मुहाल हो गया। अभी बजट आने वाला है, अगले बजट आने वाला है, फिर क्या अभी बस अल्लाह ही पालना सोच रहे हैं। बजट आम दोस्त बजट होगा नहीं, उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है इनसे, बिल्कुल उम्मीद नहीं है इनसे कि सोच रहे हैं कि अभी समझ लो ये सब्जी तरकारी इतनी महंगी है कि एक एक टाइम का खाना जो है ना 1000 रुपये में पड़ रहा है, अब 1000 रुपये कहाँ से लेकर आए हैं? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह 2 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, अभी छुट्टी हुई है। अच्छा छुट्टी हुई है, एग्ज़ाम हुए ना। हाँ जी, मुश्किल हुआ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है अभी बर्दाश्त, अभी क्या हुआ है? क्योंकि जहर सी बात है सवारियों की आपने बात करी, जो जहर सी बात है जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो कैसे बैठेंगे? मेरी गाड़ी पेट्रोल पे है, अब पेट्रोल पे माना कि पैसे कम करें मगर सवारी तो कहती है हम तो इतने ही देंगे, इतने में आते हैं, गाड़ी का भाड़ा निकालूँ पेट्रोल निकालूँ या बच्चे पालूँ ये बता दें। मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया बड़े भाई, बस अल्लाह ही पाल रहा है और अल्लाह ही खिला रहा है भाई। हम तो बस ए बाबा एक प्यार को यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो गरीब आवाम पे कुछ रेमो करम करें, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। वाकई में बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से भाई इन्फ्लेशन के हालात हो गए, महंगाई के हालात हो गए, कि आम इंसान अगर कोई रक्षा चलाने वाले भाई थे हमारे भाई कह रहे हैं कि मेरे 2 बच्चे लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। लेकिन और बजट की भी जिस तरीके से भाई ने खुद बोला कि बजट आने वाला है, लोगों के जहनों में ऐसी चीज़ बैठ गई है कि बजट आने वाला है, फॉग बैठ गया है, मतलब एक आवाम दोस्त बजट अगर लोग कह भी जाएँ लेकिन नहीं, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इससे ज़रा बात करते हैं, बजट आने वाला है क्या आवाम के जहनों में है, आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा?
सर आवाम दोस्त बजट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से ये लोग चीज़ों के रेट को कम कर रहे हैं ना, तो आप उस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बजट आएगा वो बढ़ के आएगा। अरे जो आप जो बोल रहे हैं आटे के अंदर थोड़ी कमी हो रही है, पेट्रोल की थोड़ी कमी, पेट्रोल की कमी हो रही है, और ये बढ़ाने के लिए कम कर रहे हैं। हाँ बढ़ाने के लिए कम कर रहे हैं, ये तो हम कब से देखते हुए आ रहे हैं यार। आपकी एज और हमारी एज जितनी होगी, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी यही देखते हुए आ रहे हैं, और हम भी बचपन से यही देखते आ रहे हैं। जब भी बजट आना होता है उससे एक महीना डेढ़ महीना पहले जो है हर चीज़ की कीमतें नीचे आ जाती हैं, ठीक है, और बजट आते सारी वो चीज़ें इतनी अप पे चली जाती है कि हमारी सोच भी नहीं होती उस पर। फार्मूला समझ गया, फार्मूला हम लोग समझ गए, आवाम समझ गए। अभी आप ये देखना मार्केट में आप लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी देखा है, प्याज एक हफ्ता पहले 200 रुपये किलो चल रहा था, 220 200 रुपये किलो चल रहा था, अभी 120 पे आया हुआ है। टमाटर आपका 250 रुपये किलो चल रहा था। हुकूमत की वजह से नहीं, ये आवाम को उन्होंने, अभी मैं गंदे लफ्ज़ों में बंदा बात करता है तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आवाम को पागल बनाया हुआ है, ठीक है। आवाम तो बन रही है, बनाया हुआ क्या, आवाम बन रही है, फिस रही है भाई। आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर, हम सिर्फ आपके साथ बात कर सकते हैं, आप हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, लोगों को तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस पर रद्द अमल कुछ नहीं हो सकता। ये तो 100% छूट की बात है, क्योंकि एक कोई मिडिल क्लास बंदा है ना, देखें इनकेस कोई मजदूर है दिहाड़ीदार है, या कोई ऑफिस वाला बंदा भी है, आजकल वो ऑफिस वाला बंदा भी दिहाड़ीदारी कहलाता है, क्योंकि अगर वो एक दिन भी छुट्टी करता है, एक दिन भी छुट्टी करता है तो वो ऑनर बोलता है भाई आपकी तनख्वाह कटेगी। तो पहले ये होता था कि जब अगर ऐसे मामलात होते थे तो लोग निकलते थे रोडों पे और एहतजाज करते थे, तो उस पर कवरेज होती थी, लेकिन अब हर बंदा ये सोचता है यार देखो निकलता वो क्यों नहीं है, हाँ इसी वजह से नहीं निकलता ना। अगर मैं बोलूँ यार मैं अगर अभी वहाँ जाता हूँ, ठीक है, मैं सारा दिन अपना वहाँ जाया कर रहा हूँ, शाम में मुझे हासिल रसूल किया कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ऊपर लेवल के बंदे बैठे हैं वो आपस में मुआवजा करके हम लोग को नीचे से साइड पे कर देते हैं। जो हमारे अब फर्ज करें मुझे आप लेके जा रहे हैं, आप हमारे सीनियर लीडर आप ले जा रहे हैं, शाम तक लीडर आने के पीछे की निकल ली, आपने आपने शाम में जाके मुआवजा कर लिया, पीछे वाले तो रह गए, आवाम किसके साथ किसके भरोसे निकले, आप और मैं निकलेंगे अपने भरोसे, आप और मैं निकलेंगे, देखें आप और मैं निकलेंगे, ये दो भाई और निकलेंगे, चार भाई और निकलेंगे, बाकी तो नहीं निकले, बाकी खड़े हुए लोग तमाशा देख रहे होंगे कि यार वो देखो वैसे जा रहे हैं, अरे यार कुछ ना कुछ तो आज हो जाएगा, ये मामला है, यानी कि कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, फार्मूला समझ चुके हैं, फार्मूला समझ चुके हैं भाई ने कहा मैं फार्मूला समझ चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई जब भी बजट आने वाला होता है तो उससे पहले सारी चीज़ों के प्राइजेस कम हो जाते हैं, तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है भाई प्राइजेस कम हुए, उन्होंने बोला नहीं भाई मैं फार्मूला समझ गया हूं। अभी कम इसलिए किए गए क्योंकि जब बजट आएगा तो दोबारा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खैर भाई भाई ने बात तो थोड़ी बहुत सही बोली, ऐसा होता तो रहा है, लेकिन अल्लाह जाने अल्लाह मालिक है कि क्या पता हुकूमत को इतना थोड़ा आवाम पर रिलीफ मिलने के लिए मतलब थोड़ा सा भरोसा हो जाएगा यार चलो यार मैं इन लोगों को अब जो है थोड़ा सा रिलीफ दे देते हैं हुकूमत को, अल्लाह करे हो जाए रिलीफ देने के बाद थोड़ा सा दिल में आ जाए हुकूमत के, तो आगे शायद आवाम उनसे जी सके। यहाँ पर हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का कहीं मिल जाएगा। भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं सर? बजट आने वाला है अगले महीने, क्या लग रहा है आवाम दोस्त बजट होगा या फिर नहीं? भाई हुकूमत दोस्त बजट लग रहा है, हुकूमत दोस्त बजट होगा, आवाम दोस्त बजट नहीं होगा भाई, आवाम दोस्त कहाँ से होगा भाई, आवाम का सब लाइट अभी आप देख रहे हैं सुबह से 9-9 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, कहाँ से होगा? रेट लगाई हुई है हुकूमत ने, बिजली के बिल इतने भेज रहे हैं, बुरी हालत की हुई, कारोबार है नहीं, कारोबार नहीं है, इन्फ्लेशन महंगाई वैसी बहुत, बिल्कुल 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 सही बात है। अभी कुछ लोग अभी यहाँ पे देखने में ये भी आया हुकूमत ने मतलब पेट्रोल पे भी प्राइजेस कम हुए, आटे पे भी कम हुए, तो ये क्या सीन है भाई? वो बस लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता, बस सस्ताई टीवी की हद तक ही हो रही है। हाँ। मार्केटों में हम बैठे हैं, हमें तो टाइम हो गया, हम जो चीज़ बढ़ जाती है उसके बाद वो रेट पीछे आते नहीं है। हाँ, बिल्कुल सिर्फ एक रोटी के रेट में बस थोड़ी सी कमी हुई है, 30 की खरीदे तो 25 की हुई है, जो 20 की खरीदे तो 15 की हुई है, इसके अलावा अदरवाइज किसी चीज़ में हो सकता है बजट के अंदर और कमी हो जाए, नहीं वो अब अल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इन ये जो हुक्मरान हमारे जो बैठे हुए हैं जो हुकूमत चला रहे हैं तो ये क्या लगता है आपको? भाई अल्लाह हमें भी हिदायत दे और इन्हें भी हिदायत दे, बस यही कह सकते हैं। भरोसा नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, भरोसा क्या है, भरोसा है कि कुछ कमी करते हैं फौज ही आ जाए, हम तो ये चाहते हैं कि फौज आ जाए, बस फौज आ जाए। कोई दौर अच्छा था? हाँ बस मुशर्रफ का दौर अच्छा था। अरे बंदे आज से पूछता हूँ कौन सा दौर अच्छा था, वो कहते हैं मुशर्रफ का दौर अच्छा था, था। अल्लाह पाक हमें परवेज मुशर्रफ जैसा जो है हुक्मरान जो है वो नसीब करे, लेकिन अल्लाह करे कोई तो ऐसा नजर आए, क्योंकि मैं जितने लोगों से पूछता हूँ कोई दौर अच्छा था वो कहते हैं मुशर्रफ का दौर बड़ा अच्छा था। आवाम को रिलीफ नहीं मिलने वाला बजट के अंदर, अभी सिर्फ उनको मिलेगा जो गवर्नमेंट जॉब है, बस प्राइवेट को किसी को भी नहीं मिलेगा। बोला गवर्नमेंट जॉब वालों को शायद रिलीफ मिल जाए, प्राइवेट को नहीं मिलेगा, और जिसमें जो मजदूर है ना मजदूरी टैक्स पहले ही कट जाता है, फिर उसके बाद हम बच्चों का दूध लेते हैं, बच्चों का पैंपर तक में हम टैक्स दे रहे हैं, ग्रोसरी पे टैक्स दे रहे हैं पैंपर तक में। ये आपका नेक्स्ट शुरू हुआ जो आप सोलर लगाएंगे जितनी केवी बढ़ेगी तो उसका भी टैक्स देना है, मतलब
वो तो चाह रहे हैं कि आप खून भी लें ना तो उसका भी टैक्स दें, चलने का भी टैक्स हो जाए, अट टैक्स ना आ जाए तो वो भी टैक्स ही है ना, अगर आप जा रहे हैं प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं। एक तो टैक्स हम दे रहे हैं, आवाम तो टैक्स दे रही है, मिल क्या रहा है बदले में? कुछ भी नहीं मिल रहा, धनी सुकून थोड़ी मिल रहा। यहाँ तक की हमारी जाने तक से कितने बड़े बड़े गटर्स खुले हुए हैं, बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर दबा हुआ है, सेफ्टी नहीं है किसी चीज की। अभी बारिश हुई थी लास्ट टाइम, जो बदतरीन हाल था, हम रोड पर ही थे कि बस हम रोने लग गए थे कि हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं। अच्छा बहन, एक चीज मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपकी माशाल्लाह ये बच्चे हैं, क्या फ्यूचर क्या देखती हैं आप इसका? कुछ नहीं है, बाहर जाने का फ्यूचर है बस, बाहर भेजोगे तो आपका कामयाब रहोगे और अगर पाकिस्तान में अगर रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक आम शख्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या सबसे बुरे हालात आपने अभी क्या देखे? भाई सबसे बुरे हालात आप ये देख लेना कि इस कदर देखे, मतलब कि यार ये तो हद हो गई है। देखिए ना, हर चीज में चीज पैसे बढ़ी रहे ना, किस में कम हुए मुझे बताएं। जब उनका काम होता है वो पेट्रोल नीचे कर देते हैं, आप देखा ना आपने, पेट्रोल कम किया उन्होंने, काम था उनका, अभी काम नहीं होगा, पेट्रोल भाई 350 से चले जाएगा। लोगों से बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भाई ये फार्मूला है, अभी जो अभी बजट आएगा ना उसमें पूरे हो जाएंगे। वो पूरा कैसे ज्यादा होगा आपको लगेगा, मगर इंसान तो फिर भी डलवाएगा, उसको तो काम करना है ना भाई, काम करना है भाई। जिसकी सैलरी 50 आ रहे ना या जिसकी सैलरी 2 लाख है वो भी नहीं गुजारा कर रहा, नहीं कर पा रहा, ये हकीकत बात है, हकीकत बात है। हमारे जाने वालों में बिल्कुल एवरेज हो चुका है, बिल्कुल एवरेज। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बच्चों के स्कूल चेंज करवा लिए, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने बच्चों के आगे के लिए चीजें कुछ ले सके, लैपटॉप तक नहीं खरीद सकते, पढ़ाई अपनी एजुकेशन नहीं दे पा रहे बच्चों को। गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, इंसान तो एक वक्त चाहे एक बच्चा तो अच्छा पढ़ ले, एक को ही पढ़ा लूं या दो को छोड़ पढ़ा रहे अपने बच्चे तो। ये तो फार्मूला है भाई, ये तो दुश्मन का तो अलग ही सीन है, दुश्मन का होता तो दुश्मन ही चाह रहा है कि हम ऐसा हो जाए, और क्या चाह रहा है, कोई भरोसा नहीं है इन पे, कोई भरोसा नहीं है नून लीग पे या किसी पार्टी पे, भरोसा नहीं है किसी चीज पे, भरोसा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे हम सेटिस्फाई हैं। अब आप अरबाब अख्तियार को कोई मैसेज देना चाहें? कुछ तो सोचे हम आम के लिए, 20% भी सोचेंगे ना तो मुल्क बेहतरी की तरफ चलने लगेगा, सिर्फ 20% बिजली और गैस से सबसे ज्यादा मेन चीज है, सिर्फ 20% सोच ले आवाम का, गरीब आवाम का, आप दो जगह बेहतरी की तरफ चले, इंसान खुद ही सही हो जाएगा, आप रिलीफ ही दे नहीं पा रहे, मसला ये है। मैंने आपके यहाँ पर जिस तरीके से पहले भी आपको बताया होगा कि मैं जब जिन लोगों से बात कर रहा हूँ तो आप लोगों की जबान पे होता है कि यार बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि आवाम तब गई, आप लोगों का सबसे पहले होता है कि यार बिजली और गैस पे रिलीफ दे देना तो थोड़े से मामला कम कर देंगे, क्योंकि बिल्स इतने आ रहे हैं कि आवाम के पास जैसे अगर सैलरीज 25,000, 30,000, 35,000 रुपये ये सैलरीज हैं प्राइवेट नौकरी करने वाले इंसान की, फिर वो रेंट भी निकाले अपने घर का, फिर खर्चे भी निकाले, बच्चों भी पाले, एजुकेशन भी दे, क्योंकि एजुकेशन इतनी तो है नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, वो तो सबको ही पता है, मेरे हुक्मरान जो बैठे हुए उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगा किस तरीके की एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स में मिल रही है। अगर फिर थोड़ा बहुत थोड़ा सा ध्यान आ जाए, थोड़ा अल्लाह पाक जो है वो अगर आवाम को रिलीफ दे दें इस बजट के अंदर तो भाई बहुत शुक्रिया होगी। जो यंग है इनकी तरह है मेरा भाई है, एट द एंड कमा कमा के फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, मुझे बता दो कबर जाके पूछो, 16-17 हज़ार रुपये की कबर है, वो भी अच्छी जगह मांगोगे तो 25-30 हज़ार रुपये की, फिर आप वो मंगवाओगे बस उसको दोगे, जो घर में खाना खा जो आएंगे अब आप उनके लिए अब देगा बनवा लो 15,000 रुपये की, मरना भी कफन कौन सा सस्ता है भाई, यदि चले आओ पता चल जाएगा आपको वहाँ पे जाके कि वो कितने पैसे दे रहे हो आप उनको। बात तो सच है लेकिन बात है उस भाई की, हकीकत बात है कि इस वक्त जो कंडीशन हो गई है मतलब मरना भी आसान नहीं है लोगों के लिए। खैर यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करूँगा। हालात कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं? हालात तो अच्छे नहीं है आपके सामने ही है, हालात तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, उस पर बजट जो है वो भी हमारे ही सब पे होगा भारी, और किसी पे तो कुछ भी नहीं होगा, आवाम दोस्त हो ही नहीं सकता, तसव्वुर में भी नहीं होगा। क्यों? दूसरी बात ये कि देखें कमिश्नर की राशि ने जो नोटिफिकेशन अभी जारी किया है कि आप आटा इतना सस्ता हो जाएगा, रोटी 120 ग्राम की 12 रुपए की हो जाएगी, वो जो चपाती है और रोटी 100 रुपए किलो आटा तो कहाँ मिल रहा है, वो जो लाल आटा है वो अभी भी 130-140 से कम है ही नहीं। आप यहाँ पर जाके विजिट करें दुकानों पर, तो अगर आप डायरेक्ट इससे बात करेंगे ना जाकर तो शायद वो उसी वक्त कुछ कर दें। जी कमिश्नर कराची साहब अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो हमारे मैं उनको ये बात करूंगा कि आवाम कह रही है कि आप लोगों ने जितने बातें करी थी कि भाई जिस तरीके से बोला था कि आवाम को अब थोड़ा सा रिलीफ फ्राहम किया जाएगा और आपने डीसी को और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये हिदायत भी जारी करी थी कि जाके चेक करवाएं और मालूम करवाएं कि सारे प्राइजेस अपने प्राइस लिस्ट के मुताबिक हों, लेकिन वो अभी तक नज़र नहीं आ रहे। अंकल ने कहा है कि नज़र नहीं आ रहे, खैर हम ऐसा अगर ये नहीं नज़र आ रहे हैं तो मैं जिस टॉपिक के ऊपर भी आगे बात करूंगा यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ भी विजिट करके देखूंगा कि वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अब ये हमारी आवाम जो है यहाँ की कराची के किस कदर महंगाई से तंग आ चुकी है ये भी आपने बिल के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि हम 300 यूनिट जो है ना वो फ्री कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई नहीं 200 यूनिट का हमारा बिल आता है, 12-12, 10-10 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। अब बताइए हमने सोलर की भी किया इतना खर्चा करके,
ठीक ठाक उधार ले गए, कैसे किस किस तरीके से हमने सोलर प्लेटें लगाई हैं, लेकिन कोई शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ क्या, इन्होंने भी बिलाल साहब ने भी, बिलावल भुट्टो जो साहब जो है, इन्होंने भी यही कहा था कि 300 यूनिट जो है ना हम फ्री करेंगे, कब करेंगे कुछ नहीं पता, अपने शायद हो सकता है उन्होंने कहीं गोठो वोटो में कर दिया हो, शहरों में तो कहीं नहीं है ऐसा। वो भाई कह रहे हैं कि हो सकता है, उन्होंने बोला था वजीर आजम बन जाऊंगा जब करूंगा, वजीर आजम बन जाऊंगा नहीं, यहाँ पर तो उन्हीं की हुकूमत है, जब पंजाब में उसने बहुत कुछ कर दिया है तो तुम्हारे जो है ना मुकाबला उसके साथ है ना, जो बात मरियम नवाज के साथ, वाह वाह, जो तुम अपने यहाँ पर वो सब कुछ करवाओ। सही भाई ने, अंकल कह रहे हैं कि अगर आपने बिलावल भुट्टो साहब ने अगर ये बात बोली थी तो आप तो अगर पंजाब की नहीं तो उस सूबे के मुताबिक सूबे सिंध के अंदर जो है वो ये आपको उससे मुकाबला होना चाहिए और यहाँ पर अंदर जो है सस्ताई होनी चाहिए बनिस्बत पंजाब के, और वहाँ के तरक्याती लिहाज से ऐसे हर लिहाज से यहाँ पर उसका मुकाबला होना चाहिए पंजाब से, कि भाई यहाँ पर बेहतर हो, यहाँ पर बेहतरी की तरफ जाए, यहाँ पर कब जाएगी आवाम को तो मेरे ख्याल से सोचते सोचते ही टाइम निकल गया, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा है। अंकल ने बोला कि शायद सोचता है गोट देहातों में कहीं पर कमी हो गई हो, लेकिन नज़र वहाँ पर भी नहीं आ रही है, क्या कहने चाहेंगे? कोई ना, रोड देखिए आप हमारे एक से बढ़कर एक खंडरात में तब्दील कर दिए रोड, और ये यही कहेंगे कि हम ये 5 साल जो है ना ये पूरे करेंगे इंशाल्लाह, 5 साल के अंदर अंदर ये सारे रोड भी सही हो जाएंगे, हाँ। और ये भी हो जाएगा वो हो जाएगा, वो 5 साल इसी तरीके से गुजर जाएंगे। सही कब होंगे? सही नहीं होंगे, नहीं होंगे, और 5 साल अभी मजीद इनको बहुत अर्सा चाहिए, बहुत अर्सा चाहिए। मेरे ख्याल से कोई नहीं आ रही, आगे तक चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। बजट आने वाला है, क्या लगता है आपको कि आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा? भाई बजट से तो हम परेशान है, बहुत परेशान है, बजट कोई ऐसा है, पहले ही परेशान हुई थी तो क्या सोच रही है? वैसे ही परेशान है, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, आवाम वैसे ही परेशान है, अगर कोई ऐसा बजट आए कि आवाम के हक में आए तो ज़्यादा लग रहा है कि आएगा, ऐसा लग रहा तो नहीं है भैया, जिस तरह से महंगाई चल रही है और जो हुकूमत ने अभी कमांड संभाली है और हल्का हल्का देख भी रहे हैं, सस्ताई भी हो रही है चीज़ों के अंदर, मतलब पेट्रोल के अंदर प्राइसेस में भी कमी आई है, अल्लाह करे बेहतरी आए, अल्लाह तो नजर आ रही है, उम्मीद बस ये है कि भाई कोशिश कर सकता है, उम्मीद कर सकता है, तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह सब कुछ करने वाला है, अल्लाह करे बेहतरी आए, आवाम के हक में है। शहबाज शरीफ साहब से कुछ कहना चाहें उनको? वो क्या है, मुल्क के हालात सही करते हैं, बेरोजगारी कम करते हैं, महंगाई कम करते हैं, और क्या कर सकते हैं, आवाम के लिए तो कोई अच्छा हुआ ही नहीं है आज तक, और ना होता आया है, ना आइंदा होने के चांस है कुछ ना ऐसे, और आवाम के लिए तो सिर्फ मुश्किल ही मुश्किल है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसा अभी अभी हमने देखी थी, ये भी देखने में आ रहा है कि थोड़ी थोड़ी जैसे आटे के अंदर थोड़ी कमी हुई, पेट्रोल में थोड़ी कमी हुई है, तो क्या लग रहा है बजट के अंदर मामला ये तो ज़्यादा हो जाएंगे या बजट में बढ़ेंगे? ये तो मसनू इन्होंने किया है, जो भी किया है ना, अच्छा जी हाँ, ये मसनू तौर पर किया जा रहा है ये, और लेकिन ये है कि आने वाला जो बजट है उसमें नज़र नहीं आता कोई कि आवाम के लिए कोई बेहतरी होगी, मजीद बढ़ेगा, ये मजीद बढ़ेगा, अभी जिस तरीके की इन्फ्लेशन है, हालात जिस तरीके से बुरे हुए हैं, उसके बाद अगर मजीद महंगाई बढ़ती है तो क्या हाल होगा? ये तो बड़ा बहुत बुरा हाल है लोगों का, लोगों का अल्लाह माफ़ करेगा, लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है, तो बहरहाल अल्लाह पाक से अच्छी की उम्मीद है, उम्मीद अच्छी ही रखते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या होना है आगे, अल्लाह पाक बेहतर करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, उम्मीद तो अच्छे की रखते हैं लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करेगा कि क्या होगा, हुकूमत पे किसी को भरोसा नहीं है, हमने जितने भी यहाँ पे लोगों से बात करी कोई एक ऐसा शख्स नहीं दिखा जिसने बोला हो कि यार मुझे ये भरोसा है कि आवाम दो बजट आने वाले हैं, आवाम के लिए कुछ बेहतर हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन खैर अल्लाह पाक करे कि आवाम के लिए बेहतर हो, और ये बजट के अंदर जिस तरीके से कमी अभी हुई है मज़ीद कमी की जाए ताकि आवाम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे और सुकून तरीके से ज़िंदगी से गुजार सके। भाई तबाह कर दिया है मुल्क को ना, बर्बाद कर दिया बिल्कुल, इतना पैसा इस मुल्क के अंदर है, इतना सोना इस मुल्क के अंदर है, सब इन लोगों ने जितने भी बड़े बड़े बैठे हुए ना सब खा गए ये लोग, इतना IMF से कर्जा लेते हैं ये लोग, मैंने तो नहीं लिया हुआ ना, आज चले एक डॉलर नहीं लिया, कर्जदार हो लेकिन आप, मैं अभी भी 4 से 5 लाख रुपए का कर्जदार हूँ, मेरे घर में लाइट नहीं आ रही, बिजली के बिल के ऊपर 20% मैं हर तरीके का टैक्स भर रहा हूँ, फ्यूल टैक्स तो ये टैक्स तो वो टैक्स, आज तक मेरे को कुछ गवर्नमेंट ने दिया तक नहीं है, ठीक है, 1 घंटा बिजली आती है, 2 घंटे गायब है, उसके बावजूद भी ये इस महीने का मेरे पता कितने 22 यूनिट है, 22 यूनिट का बिल पता कितना है 12,300 रुपये, और मेरे पास व्हाट्सएप पे भी पड़ा हुआ है, बोलते हैं तो निकाल के दिखा देता हूँ, अंदाजा है होगा, समझे, इन लोगों ने इतना बर्बाद कर दिया, कोई कारोबार नहीं है, हर बंदा रो रहा है, चीखे मार रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट अय्याशियाँ कर रही है, देखो ना पूरे और यार मरियम नवाज को देखो ना, 2,73,00,000 रुपए के ना उनने टायर डाल दिए, हमने 2,73,00,000 क्या 73,00,000 भी नहीं देखे, हमारे को यही नहीं पता कि 2,73,00,000 में जीरो कितने आते हैं, यहाँ हम लोग मर रहे हैं, जिनके पास है वो खुश है भाई, अय्याशियां कर रहे हैं सब लोग, और हम लोगों को आपस में लड़ाया हुआ है,
ये सिंधी है, ये बलोच है, ये महाजिर है, सही है ना, आपस में लड़ रहे हैं और ऊपर ये लोग एक जगह बैठे हुए होते हैं, खूब इनकी टनाटन चल रही है। अभी जब अगले महीने जो बजट आएगा क्या दिमाग में है अभी आवाम के? इंशाल्लाह ये इतना बढ़कर आएगा क्योंकि IMF जिंदाबाद है। अच्छा, हम थोड़ी बनाते हैं बजट, बजट तो बाहर बैठ के बनते हैं भाई, हमें भुगतना है, भुगतना हमारे को है। अभी पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस होगा, हमारे को सामना करना पड़ेगा, क्या पता बिजली का यूनिट आने वाले वक्तों में 200 रुपए का हो जाए और बल्ब देखने को भी ना मिले। अभी दूर नहीं जाओ ना, हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम साहब, सलूट है उनको, उन्होंने बोला कि भाई ये सोलर के ऊपर टैक्स लगा दो। यार धूप किसकी है, क्या गवर्नमेंट दे रही है हमारे को? सुनने में आया था, लेकिन सुनने में आया था कि वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा भाई, ऐसा हुआ तो मुझ समेत वो भी आएगा, वैसे यकीन है लोगों को भाई, अगर ऐसा हुआ ना तो मुझ समेत ये पूरी आवाम को ना बाहर निकलना चाहिए कि बाबा धूप से तो हम तो वैसे ही मर रहे हैं पसीनों के अंदर, थोड़ी सी बिजली ले रहे हैं धूप से, अल्लाह पाक दे रहे हैं उसके ऊपर भी बजट मार रहे हो, कुछ ना मतलब कुछ ना टैक्स लगना चाहिए और पैसा देना चाहिए। और आप भी यार, मैं ही क्या, आप भी माशाल्लाह से पढ़े लिखे हो, साफ ही हो, आप कितने टैक्स दे दो? सही बात है, हर बंदा दे रहा है, यहाँ पे रहने वाला, पाकिस्तान में रहने वाला हर बंदा, हर शहरी जो है वो टैक्स दे रहा है। पहले ये मोबाइल फोन होते थे, ठीक है ना, अभी भी है, PTA अप्रूव करवा लो इसको, अगर बाहर से लाना है, नॉन PTA लोग चला रहे क्या कैमरा? हाँ, सिर्फ कैमरा चल रहा है बस, PTA अप्रूव कराना है, कोई भी iPhone हो गया, 11 प्रो मैक्स हो गया, 13 प्रो हो गया, भाई 140,000 रुपए लगेंगे इसको ऑन करने के। हम तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, बकाया ये लोग लड़ते भी हैं और फिर ना पीछे पीछे एक लेते हैं, बंगलों के अंदर बैठे हुए होते हैं, AC लगे हुए हैं, टिक्का बोटिंग चल रही है, हमारे बारे में कोई मर रही है। बाहर के ममालिक में रमजानुल मुबारक के महीने आते हैं, कोई भी मुसलमानों का इवेंट आता है ना, उसके अंदर सस्ताई हो जाती है, अगर हमारे को पता चल जाए कल कयामत है ना, आज कफन भी महंगा कर डालेंगे। भाई ने बहुत वैलिड पॉइंट है, ये हकीकत है, ऐसी यही निजाम तो हुआ है ना कि कल भाई कयामत आने वाली है, मैं बोलूंगा यार इसके बाद कफन पड़ेगा, अबे भाई यहाँ हर चीज महंगी हो जाती है, फरूट का भी क्या असर हुआ है, लोग ठेलों पे नहीं खड़े हुए, रमजानों में हम छू नहीं सकते उसको, दूर से देख सकते हैं, हमारे बच्चे बोल रहे होते हैं पापा आम आ गए ले ले, बेटा जेब में बजट ही नहीं है हमारे, हमारी औकात ही नहीं रही है कुछ खाने की, फल क्या खरीदने तक भी नहीं रही है क्योंकि ये हाल हो गया। और हम बोलते हैं कि हमारी आवाम खुशहाल है, भाई खुशहाल वो है जिनके 2 नंबर काम चल रहे हैं, हम तो पूरा दिन मेहनत करते हैं, हम बोलते हैं 1,000 का नोट मिल जाए ना तो हम उसको भी सहत के रखते हैं बेटा, 50-50 रुपए करके खर्चा करेंगे, हमसे अच्छी ना इंडिया की आवाम है, वहाँ गुर्बत तो है लेकिन सस्ताई इतनी है, वहाँ पे $72 का आज भी उन्होंने नकेल डाल के रखा हुआ है, और यहाँ जब दिल करो 300 भी तो 350 भी बढ़ते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जो आता है वो मुल्क को समेटता है, 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ रुपये जमा किए और ले गए, हम खाली हिसाब ही लगाते थे 2,000 करोड़ में ये लोग करते क्या होंगे, इनके बच्चों का मुस्तकबिल है और हमारे जो बच्चे हैं ना उनका मुस्तकबिल नहीं, पहले टैक्स आप हर चीज का दे दो, हर चीज का हम देते हैं, ये बस अय्याशियां करेंगे जिंदगी भर हमारे पैसे के ऊपर, हम इनको पालेंगे क्योंकि हम बगैरत कौम है, हम बाहर ही नहीं निकलते इनके लिए, और हमारे अंदर इतना दुल गुरदा भी नहीं है भाई, अगर हम बाहर निकलेंगे ना रात को हमारे दरवाजों पर गाड़ियां लग जाएंगी, ले जाएंगे हमारे को डाल के। भाई ने बहुत कड़वी बातें करी है लेकिन बहुत सच्ची बातें की है, और ये बिल्कुल हकीकत है, एक भाई ने आईना दिखाया है कि ये हकीकत है कि यहाँ पर जिस तरीके का निज़ाम चल रहा है ना, ये बिल्कुल भाई ने बहुत कड़वे अल्फाज भाई के जो दिल से निकले हैं ना, ये बिल्कुल हकीकत बात यही है, ये हकीकत है कि आवाम इस तरीके से जी रही है, हम लोग हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, हम लोग हर चीज़ कर रहे हैं लेकिन मर भी रहे हैं, हम लोग पिस भी रहे हैं, हालात कुछ बेहतरी की तरफ नज़र नहीं आते, उम्मीदें हर बंदे से लगा लेते हैं कि यार आप ये नई हुकूमत आई है ये कुछ बेहतर करते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, आवाम वैसे ही पिसरी होती है। बजट जो आ रहा है अंकल क्या लग रहा है ये बजट क्या करेंगे ये जो फकीर है यार, आवाम दोस्त बजट नहीं होगा, नहीं दिखा हुआ है टेम्पररी है और कुछ नहीं होगा भाईजान, इससे पहले बहुत खाल उतार लिए ना, आपके सामने सूरत हाल है ना, हमेशा ये बात बोलते थे ना यार अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, हो गया क्या? नहीं हुआ ना, ये फालतू बातें हैं यार, अब यूनिट्स कम हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, पंजाब में सब कुछ, कश्मीर में हुआ, कश्मीर में देखा हुआ, आवाम आ गई, हमारी आवाम बेहिस है असल मानों में, जमीर मुर्दा हुआ है ना, मतलब सारा ये है ना, वो निकलेगा जब तक सब एका नहीं होगा ना कोई नहीं निकलेगा। अभी मैंने भाई से बात करी, वो कह रहे हैं यार मैं इसलिए नहीं निकलता, बात सारी है कि यहाँ पे हमारी आवाम जो है वो इसलिए नहीं निकलती कि जब निकलेंगे तो जिस जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो पैसे काट लेगा, इस चक्कर में हम नहीं निकलते, इतना मतलब महंगाई के अंदर परेशान हो गई है आवाम के, वो अपने हक के लिए भी नहीं निकल सकते, इसको पता है अगर आज मैं हक के लिए निकलूंगा ना कल मेरे जो जॉब कर रहा हूँ वो भी चली जाएगी, फिर मैं घर करूंगा ना घाट करूंगा, फायदा कुछ होगा नहीं, कोई फायदा नहीं, डेली वेजेस पे भले सिंध गवर्नमेंट हो कोई सी भी गवर्नमेंट हो,
कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख रहे हैं, यहाँ से आपने आवाज़ उठाई आपको फारिग कर देंगे, साफ सी बात है। ये तो हमारी गवर्नमेंट का हाल है, गवर्नमेंट अपना सोच रही है, आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। तो फिर ये दो आवाम दोस्त बजट नजर तो नहीं आ रहा किसी से भी, बात भी नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ दिखावा है। उसके बाद बजट पास होगा फिर वो रेट बढ़ जाएंगे, फिर वो चीजें महंगी हो जाएंगी, गरीबों का कोई परेशानी हाल नहीं है भाई, पूछने वाला इस हुकूमत का भी कोई भरोसा नहीं। किस पे ये जो आपकी हुकूमत आगे बैठी है, मजाक कर रहे हैं आप हमसे यार, मजाक कर रहे हैं, हुकूमत है ये, सिर्फ नूरा कुछ कर रही है भाई, आवाम का ना कोई भी नहीं सोच रहा है, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ दाल आटा चीनी में लगा दिया, ये सारे अपने काम कर रहे हैं, पेट्रोल थोड़ा सा कम कर दिया, बस आवाम को लगा दिया, बस पेट भरते रहो, अपने बच्चों को देखते रहो, बाकी और मामला ये संभालने में लगे हुए हैं, आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ उलझी रहे आवाम, आवाम इन चीजों में फंसी रहे, इन्फ्लेशन में भाई, रेंट देना है, आटा चीनी दाल में फंसे हुए, भाई की बात सुनो, पहले हुकूमत कैसी है, ये हुकूमत है, हुकूमत आपको नहीं पता, आप हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप घूमते मीडिया वाले हैं, आप तो यार हम तो आवाम है। अच्छा मैंने जितने भी लोगों से बात की किसी को भी भरोसा नहीं है कि यार बजट आएगा कोई अच्छा होगा, कह रहे नहीं ना, अच्छा होगा ही नहीं ना, अच्छा कुछ दिया जाएगा, कुछ समझा जाएगा, हमको कुछ दे ही नहीं रहे, नहीं अपना सोच रहे, एजुकेशन भी अभी जिस तरीके से हम लोग टैक्सेस दे रहे हैं हमें मिल क्या रहा है, नहीं मिल रहा भाई, ये अफगानिस्तान वाले, आपने कपड़े उतारने से मुझे एक बात याद दिला दी, शहबाज शरीफ ने बोला था मैं आऊंगा अपने कपड़े ही बेच के आवाम को रिलीफ दूंगा, कपड़े कोट पैंट अपना पहन के घूम रहा है, आवाम नंगी घूम रही है, वो वाला हिसाब है, इस वक्त नंगे कपड़े ले रहा है, चट्टी नहीं मिल रही है किसी को भी, कुछ हुक्मरानों ने 200 यूनिट कम करने की भी बात करी थी, क्या कुछ नहीं होने आला, कुछ नहीं होने आला मेरे भाई, सब हम ऐसे ही मार्केट के चले जाएंगे, इसराइल को चाहिए एक तरफ एक ना टारगेट यहाँ पाकिस्तान का बना ले भाई, समझा, इतनी तंग आ गई, अजाब बन गया भाई, तंग के छोटा अल्फाज है आपके सामने, मुझे कौन बंदा खुश है, इतने बंदे घर अल्लाह के घर के आगे पूछे कौन खुश है, ये खुद खुश है या नहीं है, आप खुश है भाई, मैं खुद यहाँ रहता हूँ, मुझे भी अंदाजा है की शायद वैसे यहाँ पर जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसमें तो बंदा इंसान बड़े बुरे हालात, यही कहने का मकसद है ना, अल्लाह के घर के आगे खड़े इतने लोग खड़े हैं, कोई खुशहाल हाल है पूछे आप, एक यहीं पे प्रोग्राम खत्म, ये बताएं कि आप ही जो इतने हुक्मरान देख रहे हैं कोई मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को, और गुरमान से यही एक गुजारिश है कि आवाम का ख्याल करें, जो मामला है उनकी तरफ देखें, अपने अपना मामला को ना देखें, आवाम को भी देखें, आवाम को उलझाए नहीं, क्या आटा चीनी दाल में लगी रहे आवाम, और भी मामला है आवाम के, यही नहीं रह गए कि बस इसी में लगी रहे, आप अपने काम सारे करे जा रहे हैं, आवाम को यहाँ उलझाया हुआ है, आवाम को यहाँ उलझाया हुआ है, जिस तरीके से आपने सुना यहाँ पे आवाम काफी खफा नजर आती है, कोई भी एक ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिसने ये बात बोली हो कि भाई हमें लग रहा है कि ये दो आवाम जो दोस्त बजट होगा ये होगा, लेकिन नहीं ऐसा कोई भी नजर नहीं आता है, लोग बोल रहे कि भाई हम परेशान हैं, हमें पहले से पता है कि क्या मामला होने वाले हैं, अल्लाह खैर करे कि अल्लाह करे कि जब बजट आए तो ये आवाम दोस्त बजट हो, लग तो लेकिन जिस तरीके से लोगों ने कहा है कोई भी किसने मुतमईन तो नहीं है इस बात से, लेकिन हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा, ताबिश हैदर और टीम जस्तुजू को इजाज़त दीजिए, अल्लाह।